जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। गाड़ी में बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बैटरी आपको गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है और जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं उनको ऑपरेट करने में मदद करता है। तो जब भी गाड़ी में बैटरी चेंज करते हैं किसी भी कारण से, चाहे आपकी गाड़ी का बैटरी का सेल वीक हो गया हो, सेल डैमेज हो गया हो, या फिर ड्राई सेल वाली बैटरी का सेल फूल गया हो, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी टाइप की बैटरी सही है, ड्राई सेल वाली या फिर लेड एसिड पानी वाली बैटरी। और इन दोनों बैटरियों को मैं आपको 6 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी आप गाड़ी में नई बैटरी डाले तब। और आपको 4 ऐसी अच्छी बैटरी भी बताऊंगा जो कि मेरा रिकमेंडेशन होता है सभी के लिए। तो पहले ये जानिए कि वेट सेल और ड्राई सेल वाली बैटरी के अंदर का डिजाइन कैसा होता है। तो वेट सेल वाली लेड एसिड वाली बैटरी के अंदर में आपको लेड मेटल्स के प्लेट होते हैं और उन प्लेट्स को हम लोग एसिड H2SO4 में डुबा के रखते हैं। तो जब हमारा बैटरी चार्ज होता है तब हमारा एसिड धीरे धीरे एवोपोरेट होता है और उसका लेवल कम होता है। तो आपको हर 4 से 5 महीने में लेवल चेक करके एसिड या वाटर ऐड करना होता है और इसलिए भी इस वाली बैटरी को हम लोग मेंटेनेंस वाली बैटरी बोलते हैं। वहीं एक ड्राई सेल वाली बैटरी के अंदर में छोटे छोटे सेल्स लगे हुए होते हैं और उन सेल्स के अंदर में आपका एल्युमिनियम और कॉपर के फॉइल होते हैं, उनके बीच में हम एक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट डालते हैं। तो जब हमारा लिथियम आयन बैटरी ओवरचार्ज होता है तो अंदर के सेल्स खराब होने लगते हैं, वो सेल फूल जाते हैं जिसके वजह से लिथियम आयन बैटरी खराब होता है। लेकिन ये बहुत कम कंडीशन में होता है और आपका जो लिथियम आयन बैटरी होता है इसमें आपको किसी तरीके का एसिड या वाटर ऐड नहीं करना होता है और इसलिए भी इस वाली बैटरी को हम लोग मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोलते हैं। अब ये जानिए कि आपके लिए कौन सी टाइप की बैटरी सही रहेगी। तो गाड़ी में बैटरी चेंज करने से पहले आपको अपनी गाड़ी का अल्टरनेटर का चार्जिंग सिस्टम को चेक करना है कि आपकी गाड़ी में अल्टरनेटर का चार्जिंग सिस्टम कैसा है। जिन गाड़ियों में अल्टरनेटर में ओवरचार्ज का ऑटो कट ऑफ फीचर होता है उन गाड़ियों में आप लिथियम आयन बैटरी, ड्राई सेल बैटरी या लेड एसिड वाली बैटरी कोई भी डाल सकते हैं, गाड़ी में बैटरी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जिन गाड़ियों में ओवरचार्जिंग का ऑटो कट ऑफ फीचर नहीं होता है अल्टरनेटर में, उन गाड़ियों में आपको केवल लेड एसिड वाली ही बैटरी यूज़ करनी है। क्योंकि जब लिथियम आयन बैटरी ओवरचार्ज होता है तो अंदर का सेल डैमेज हो जाता है, सेल फूल जाते हैं। वहीं एक आपका लेड एसिड वाली बैटरी जब ओवरचार्ज होती है तो अंदर का एसिड एवोपोरेट होके उसका लेवल कम हो जाता है, लेकिन हम एसिड या वाटर ऐड करके उसको लेवल को वापस ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बैटरी की लाइफ से है। वेट सेल बैटरी का लाइफ थोड़ा कम होता है ड्राई सेल के मुकाबले, लेकिन वेट सेल बैटरी का प्रॉपर मेंटेनेंस होने से वेट सेल वाली बैटरी ज़्यादा चल जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है तो आप उसमें लेड एसिड वाली बैटरी डालिए, और अगर आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कम चलती है मतलब कि ज़्यादा टाइम खड़ी ही रहती है पार्किंग पे, तो वैसी वाली गाड़ियों में आपको लिथियम आयन या ड्राई सेल वाली बैटरी डालनी चाहिए। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और इसमें आपको डिस्चार्जिंग का भी प्रॉब्लम जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आपके बजट पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी में लेड एसिड वाली बैटरी डालने वाले हैं या फिर ड्राई सेल। तो अब तीसरा पॉइंट आता है कॉस्ट पे। तो देखिए, ड्राई सेल का जो प्राइस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है वेट सेल के मुकाबले, और जो वेट सेल का प्राइस है मान लेते हैं 5,000 रुपये में आपको 60 महीने की वारंटी मिल रही है, वहीं आपको 13,000 रुपये में ड्राई सेल का आपको 7 साल का वारंटी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्राइस में लगभग दोगुना मिल रहा है लेकिन आपको वारंटी के टर्म्स पे दोगुना आपको लाइफ नहीं मिल रहा है। इसलिए भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी में लेड एसिड वाली बैटरी डालिए, हालांकि आपका चॉइस है आप उसमें लिथियम आयन भी डाल सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है रिचार्जिंग से रिलेटेड। अगर आप लिथियम आयन बैटरी खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल चार्जर चाहिए होगा उसको चार्ज करने के लिए। आप हर बैटरी वाले शॉप पे अब लिथियम आयन बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है किसी भी तरीके का बैटरी खरीदने से पहले कि आपको रिचार्जिंग का कभी ना कभी बाई मिस्टेक जरूरत पड़ गया तो आपको सही आप उसमें रिचार्जिंग कर पाए, वरना आपका सेल डैमेज हो जाएगा, फिर बैटरी पे आपको वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप वेट सेल लेड एसिड बैटरी खरीदते हैं तो उसको आप किसी भी जनरल बैटरी वाले शॉप पे रिचार्ज करवा सकते हैं, उसमें रिचार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट कोल्ड स्टार्ट के रिलेटेड है। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमें बैटरी से क्रैंकिंग पावर काफी ज्यादा चाहिए होता है। इस कंडीशन पे आपका लिथियम आयन बैटरी ज्यादा पावर प्रोवाइड करती है वेट सेल के मुकाबले। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उन जगह पे आपको लिथियम आयन वाली ही बैटरी यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पे लेड एसिड बैटरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना आपको गाड़ी में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, वहाँ पे आप लेड एसिड वाली बैटरी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में स्टार्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट आपका बैटरी के डीप डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप लिथियम आयन बैटरी को एक बार किसी भी कारण से फुल्ली वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, आपको बैटरी रिप्लेस ही करना
पड़ता है मैक्सिमम केसेस में। वहीं अगर आपका एक वेट सेल बैटरी किसी भी कारण से फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं पूरा का पूरा एसिड और वाटर चेंज करके और उसको वापस रिचार्ज करके। लेकिन वहीं लिथियम आयन बैटरी को आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में लेड एसिड वाली बैटरी डालिए। हाँ, अगर आपका बजट है तो आप 110% लिथियम आयन पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं 4000 से 8000 की रेंज में चार बेस्ट बैटरी बताने वाला हूँ जो आपको अपनी गाड़ी में डलवाना चाहिए, और मेरा भी यही रिकमेंडेशन होता है। तो दो बैटरी आपके एक्साइड से है और दो बैटरी आपके एमरॉन से है। पहला बैटरी आपका हो जाता है एक्साइड माइलेज और दूसरा बैटरी हो जाता है आपका एक्साइड मैट्रिक्स। एक्साइड माइलेज आपका लेड एसिड वाली बैटरी होती है और आपका जो एक्साइड मैट्रिक्स है ये आपका सील्ड बैटरी हो जाता है, और एक्साइड मैट्रिक्स में ही आपको लिथियम आयन का भी ऑप्शन मिल जाता है ड्राई सेल का। वहीं आप अगर एमरॉन का देखो तो एमरॉन में दोनों की दोनों सील्ड बैटरी आती है। पहला आपका आता है एमरॉन फ्लो FLO, उसके बाद आता है आपका एमरॉन प्रो PRO, एमरॉन प्रो। तो ये चार बैटरी आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं, आपको गाड़ी में बैटरी के रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरा सजेशन है, आप जब भी गाड़ी में नई बैटरी डालें, गाड़ी का अल्टरनेटर और चार्जिंग सिस्टम सबसे पहले चेक करिए, उसके बाद आपकी गाड़ी में कभी भी चार्जिंग से रिलेटेड या बैटरी का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।